इनोटेक बास्केट का मत्था जो लगाना होता है, जैसे कि आपको इनोटेक बास्केट लगा रहे हो उसके जो फ्रंट होता है तो उसको किस तरीके से फिट करा जाता है, तो मैं एक आसान तरीका आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में। आप देख सकते हैं, आप आसानी से लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं अपना, जैसे कि एक कोड लेके आप इस प्रकार निशान लेके अपना, जिसमें कि वो लोग होते हैं हमारे इनोटेक जो फ्रंट में मत्थे के, तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये अपना इसमें लोग होते हैं तो उनको किस तरीके से लगाया जाता है वो मैं लगाने का तरीका आपको दिखा देता हूँ। इसी प्रकार आपको जैसे अपना फ्रंट है, आपको फ्रंट की साइड से निशान लेना, इस तरीके से आपको लेना बोर्ड से। आप बोर्ड का एक पीस लेके आप इस प्रकार निशान ले सकते हैं। अगर आपको जैसे नाक का लगाना, नाक का भी लगा सकते हैं इंची टेप से, जैसे आपको ठीक लगे। बाकी मैं आपको अच्छा तरीका, कम समय का तरीका दिखा रहा हूँ। ये देखना, फिर उसके बाद आपको इस तरीके से नापना 21 इंची पे। जैसे आपका ये दूसरा जो हमारे पत्ती आ रही है, जो हमारे ब्लॉक आ रहा है बास्केट का, तो दूसरा जो क्लैप आता है तो उसको इस तरीके से लगाना, आपको फिट करना। ये देख रहे हैं अपना, तो इसमें लोग इसमें इसी हिसाब से होते हैं अपने, और आप फिर बुनियाद से निशान ले सकते हैं। जैसे कि आपका चौड़ाई में निशान है, जिस तरीके से आपको ग्रुप देना उस तरीके से आप नाप सकते हैं। तो बुनियाद से नाप लेने के बाद, निशान लगाने के बाद, फिर उसके बाद आपको ऊपर से नापना जहाँ पे आपने निशान लिया था, फिर आप अपना मत्था नापना। मत्थे के हिसाब से स्क्रू का जो हमारा स्क्रू आता है उसी साइज के हिसाब से आपको नापना होता है। तो अपना साइज दोनों साइड आपको बराबर लेना, जैसे कि आपको ऊपर से नाप लिया आपने, तो फिर उसके बाद अपने लोग निकाल लें बास्केट में से। लोग इस तरीके से निकालने हैं आपको, ये देख रहे हैं इसमें एक जैसे कि आपका निकालने के लिए सिस्टम होता है, जैसे स्क्रू होता है, स्क्रू का जो हेड होता है वैसे इसका एक निकालने का सिस्टम होता है। वहीं पे एक निकालने का लॉक का, आप लॉक को घुमा कर निकाला जाता है इसमें, जैसे कि आपके जो ब्रैकेट है इसके इस प्रकार निकाल सकते हैं दोनों साइड में। इसमें आपका जो अपना घूमेगा इस तरीके से घूमेगा, और दूसरी साइड की तरीके से घूमेगा, तो ये दोनों फिर आपको फिट कर देने। आपको जो निशान लिया आपने, जैसे आप हाइट के हिसाब से स्क्रू का जहाँ पे आपका निशान आ रहा है उसी तरीके से आपको ये टाइट करना। इसमें साइज़ आपका फ़र्क नहीं होना चाहिए, उसी हिसाब से आपको इसको कसना है। अगर इसमें साइज़ का फ़र्क रहेगा तो इसमें दिक्कत आ जाएगी आगे चल के, तो साइज़ का प्रॉपर ध्यान रखना आपको, ये तो दिक्कत आती रहेगी। जैसे कि आप लगा रहे हैं उस टाइम पर भी दिक्कत आएगी, आगे चल के भी दिक्कत आ जाती है। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं इसी हिसाब से आपको निशान लेकर आप जो स्क्रू लगाना, पहले निशान ले सकते हैं। देख सकते हैं आप, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका दिखा रहा हूँ जिसमें कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बास्केट लगाते टाइम पे आसानी से आप लगा सकते हैं इनोटेक बास्केट लगाना को। इसमें जो लगाना है कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों को नहीं आता लगाना, कुछ को नहीं किस आता है, जिनको नहीं आता, कुछ लोग ऐसे थे कि उनको जो इनोटेक बास्केट वाली किचन बनानी भी नहीं आती थी, तो वो जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, मैंने काफ़ी वीडियो बना दी है इनोटेक बास्केट लगाने के, तो वो काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, उनको काफ़ी नॉलेज मिल चुकी है कि इनोटेक बास्केट किस तरीके से लगती है। कुछ लोगों को इसका आइडिया ही नहीं पता था इनोटेक बास्केट होती कैसी है, किस तरीके से निकलती है, किस तरीके से इसमें चैनल लगती है, इसकी कोई भी नॉलेज नहीं थी। इस चैनल के माध्यम से काफ़ी लोगों को काफ़ी जानकारी मिल चुकी है, और आपको हर बारीक तरीके से मैं समझाता हूँ इस वीडियो में। कुछ ऐसे होते हैं कि उनको नहीं समझ में आता, कॉल करके पूछते हैं नहीं ऐसा नहीं लगा, मैं बहुत बारीक तरीके से समझाता हूँ वीडियो के अंदर, पूरी जानकारी दे देता हूँ बारीक तरीके से, इसमें जानकारी मिल जाती है। जैसे वीडियो देखते हो आप, इसमें मैंने बहुत ही फिटिंग के बारे में, जैसे काफ़ी फिटिंग है इनोटेक बास्केट की हो गई, जैसे नई नई फिटिंग जो आती है उनकी नॉलेज मिलती रहती है, और नॉलेज मैं देता रहता हूँ, क्योंकि जो मेरे जानकार लोग थे, जो मुझे जानते थे, मुझे पहचानते थे। ये देख रहे हैं इस तरीके से लोक निकलता है इसका, अगर आप इस ये अपना ये टेंडम बॉक्स निकालना चैनल में से, इस प्रकार ये निकल जाता है। तो उनको नहीं आती थी बनानी, तो वो मेरे से ही बोलते थे आप मॉडल किचन में आप बना दो जाइए, कि हमारे को, वो ये नहीं कहते कि हमारे को बनानी नहीं आती है, वो मेरे से ये कहते थे कि वो हमारे को इतने पैसे नहीं देगी, पार्टी इतने नहीं देगी, आप तो अपने अपने तरीके से आप बना दो। तो वो मैंने जब वीडियो बनाना शुरू करा तो उनके मेरे पास कॉल ही नहीं आए, उन्होंने मेरे से कभी रिक्वेस्ट नहीं करी ना आप बना देना मॉडल किचन। तो ये देख रहे हैं इस तरीके से आप सीख सकते हो, बहुत आसान है इसको सीखना, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आसान तरीके से और बहुत ही आसान है इनोटेक बास्केट लगाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे जितने सब्सक्राइबर आए हैं वो नॉलेज ले सकें, उनको अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती रहे, नई नई फिटिंग की जानकारी मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि चैनल बनाने का मतलब ये नहीं है कि इसमें और कोई मकसद है, मकसद ये है कि सबको नॉलेज मिले। अगर कोई बंदा नॉलेज लेने के बाद अच्छा नहीं बोल सकता तो बुरा बुरा भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको नॉलेज अच्छी मिलेगी तो वो बुराई भी नहीं कर सकता। तो नॉलेज हर किसी को मिलनी चाहिए, उस जानकारी के लिए ही अपना चैनल बना रखा है। इस पर हर तरीके हर फिटिंग के बारे में नॉलेज मिलती रहेगी। इस तरीके से ये नीचे की तली कसी जाती है, आप देख रहे हैं जैसे कि
जो नीचे का प्लाई होती है जो अपना ये 15 mm 16 mm की लगती है, तो उसको नीचे से टाइट किया जाता है। इस प्रकार कर सकते हैं और इसको लगा सकते हैं। मैंने फ्रंट का जो लगाना मतलब वो दिखा दिया। अब इसमें जो मेन मकसद होता है, ये आगे से मिलाना होता है टैंडम बॉक्स से प्लाई। जो आगे का बेस होता है, जो आगे का फ्रंट था नीचे तली का, वो आगे से पत्ती से मिलाना होता है। और ये बास्केट आपके कितनी अंदर लगनी चाहिए, चैनल्स होनी चाहिए, जो हमारे टैंडम बॉक्स होना चाहिए, ये 5 mm अंदर होना चाहिए। आपका बाहर के फ्रंट्स की जो टक्कर होती है उससे 5 mm अंदर होना चाहिए, तभी आपकी बास्केट सही तरीके से चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। सॉफ्ट क्लोज जो इसका होता है वो तभी काम करेगा। आप देख रहे हैं जैसे कि ये बाहर वाली जो टक्कर होती है मिलकर होनी चाहिए इनसे टैंडम बॉक्स से, ये अंदर होना चाहिए आपका बास्केट। 5 mm, 5 mm नहीं कर सकते हो 3 mm कर सकते हो, 3 नहीं कर सकते 2 कर सकते हो, उससे अगर बिल्कुल ही प्लान करोगे तो आपका जो एडजस्ट लेवल होगा वो भी नहीं हो पाएगा। इस तरीके से ये देख रहे हैं अपना, ये लोग निकलते हैं इसी के अंदर, फिटिंग के अंदर सारा कुछ फिटिंग में ही आता है। इसका वीडियो मैंने बना रखा है जिससे शुरू से लेकर लास्ट तक देख रहे हैं। इस तरीके से आपको निशान लेना है, जैसे कि आपको साइड से निशान लेना है, ग्रुप जितना छोड़ना उस हिसाब से ग्रुप छोड़ के अपना निशान ले सकते हैं। ग्रुप देना आपको 3 mm का, कम से कम 3 mm का ग्रुप तो होना चाहिए बास्केट के बराबर, क्योंकि टेप लग रही है। मार्जिन वाले में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, उसमें पॉलिश रहता है। ये देख रहे हैं अपना फ्रंट लगाना, जैसे कि आपको फ्रंट मिलाना है, फ्रंट आपका साइज का हिसाब से तैयार करके भी आप लगा सकते हैं, कंप्लीट करके फ्रंट को, जैसे हैंडल है, टेप है, जो फिर माइका बेस्टिंग है उसको कंप्लीट करके लगा सकते हैं। कुछ कारपेंटर भाई ऐसे होते हैं कि उनको जो अपना पहले इंडोटेक बास्केट में मत्था लगा के देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसा आपको ठीक लगा वैसे लगा सकते हैं, तैयार भी करके लगा सकते हैं, अपना कच्चा काम भी करके देख सकते हैं। ये हमने निशान ले लिया इस पर, जैसे कि हमने निशान लिया, अब ये हमारा कितना उठेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। ये जैसे कि हमने साइड से निशान लिया अपना ग्रुप, जैसे कि हमारे 3 mm को छोड़ कर, फिर उसके बाद अपने ये साइड का नापना, ये उधर से पट्टी से लगाना, ये नीचे टेप से नापना, आपको कितने साइज पे आ रही है आपकी, 21 इंची आ रही है तो 21 इंची हटाना, अगर कम आ रही है तो कम हटाना, इस तरीके से देखना, क्योंकि इसमें फ़र्क हो जाता है। फ्रंट आपको मिलाते हो तो एक साइड से इंची टेप से नाप के ही लगाने में फ़ायदा है, तभी अच्छा लगता है और तभी वो सही फिटिंग बैठती है आपकी, नहीं तो उसमें फ़र्क आ जाता है। ये देख रहे हैं इस तरीके से आपको निशान देखे अपना बुनिया से निशान मारना है, इस पर एक सीधा निशान आप बुनिया से भी लगा सकते हैं, सीधी पट्टी से भी लगा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगा। अगर आपके जैसे कोने में, जैसे कि आपका फ्रंट में टेढ़ापन है तो आप पट्टी से निशान ले सकते हैं, अगर फ्रंट आपके गुनिया में तो गुनिया से निशान ले सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे से नापना आपको, नीचे से जैसे कि आप इसको नापोगे, जैसे कि हमारा ये 410 mm है, नीचे ग्रुप कितना देना उस हिसाब से आपको उठाना होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको ग्रुप के हिसाब से कितना उठाना आपको, कितना लगाना है। अगर आपका 410 आता है, 415 आता है, 420 आता है, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। बाकी हम अपने तरीके से अपना साइज नाप के बता रहे हैं, बाकी आसान तरीका यही है, इस तरीके से ही नाप सकते हैं। 410 mm आया है तो 410 से नीचे से नापा जाएगा, जिसमें कि हमारा 3 mm का ग्रुप नीचे भी हमने दे दिया बास्केट में। इसी प्रकार आप ले सकते हैं और दोनों साइड एक ही साइज में आपको नाप लेना है। अगर आपका बास्केट टेढ़ा होगा तो उसको सीधा करना पड़ेगा आपको, अगर सीधा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस प्रकार लगा सकते हैं। और इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा कहीं पे, आप देख सकते हैं इसमें, पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिसमें कि हम नए नए जो वीडियो बनाते रहते हैं उनका अपडेट आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन। आप देख रहे हैं इसका स्क्रू, आपने जहाँ पर निशान आया है वहीं पर स्क्रू का निशान लेकर इस तरीके से आपको अपना होल जो अपना पेज लगेगा वहाँ पर जगह बनानी है। ये कील से निशान ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, अगर ऊपर नीचे होगा, क्योंकि ये फ्रंट होता है, फ्रंट में दिक्कत हो जाती है, अगर ऊपर नीचे हो जाता तो उसमें ज़्यादा हो जाता तो उसका एडजस्ट लेवल से भी नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत होगी, फिर दोबारा कॉल करना पड़ेगा, फिर वो लूज़ हो जाते हैं पेज। अगर आप जैसे थोड़ा ऊपर नीचे करोगे तो उसको दिक्कत हो जाती है, अगर आप जैसे एक ही बार सही साइज लेकर सही तरीके से लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। इस प्रकार आप आसानी से लगा सकते हैं ये अपने टाइट प्रॉपर करने। इसी में पेज आपके आते हैं जो अपनी बास्केट आती है इनोटेक बास्केट, उसमें ये कोल्ड कंपनी की, अगर आपको जैसे कोल्ड कंपनी की लगाती है तो उसमें इस तरीके की फिटिंग निकलती है। तो ये देख रहे हैं, फिर इसके बाद अपना मत्था बाहर से ऐसे फिट कर देना लॉक में लगा के, जहाँ पर लॉक की जगह है वहीं पर आगे से आपको प्रेस करके रखना है जो अपना फ्रंट है, तो आराम से बंद हो जाएगा, लग जाएगा लॉक में, आराम से फिट हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं जिस तरीके से मैंने करा, ये फिट हो गया आराम से, आप देख सकते हैं फ्रंट बिल्कुल नहीं हिला, और देखो आप ग्रुप बिल्कुल बराबर आया है, कहीं पे ग्रुप में फ़र्क नहीं है। अगर फ़र्क है
तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको एडजस्ट लेवल किस तरीके से करोगे आप। ये है अपना साइड में, यहाँ पे स्क्रू है, इसको आपको इस तरीके से घुमाना है। और ये आगे दो स्क्रू है, एक इसमें लेफ्ट राइट करने का है और एक ऊपर नीचे करने का है इसमें। तो ये इसमें आता है इस कंपनी में, आप देख सकते हैं इनोटेक में इस चीज़ आती है जो आपको लेफ्ट राइट करने का ऊपर नीचे करने का इसमें ये सिस्टम आता है। तो ये एडजस्ट लेवल सिस्टम कुछ ही बास्केटों में आता है जिसमें लेफ्ट राइट का और ऊपर नीचे करने का। और इसमें ये जो अपना देख रहे हैं आप, इसमें लेफ्ट राइट का ग्रुप के लिए होता है ये, जैसे कि ग्रुप आपको बराबर करना किस तरीके से करना है। तो इसमें जैसे कि आपने देखा, इसमें जिस तरीके से हमने ये बास्केट लगाई है बहुत ही आसान तरीका था। आपको जो नया तरीके से आप इस तरीके से ले सकते हैं, लगा सकते हैं, ग्रुप आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको जैसे और भी वीडियो देखने हैं, जैसे कि आपका एस क्राउजर का हो गया, जैसे कि बोतल प्लाउट का हो गया, तो उसके बास्केट आपको जो लगाने हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। और भी प्रकार के आपको बास्केट जिस तरीके की लगानी है तो दे सकते हैं। वैसे है यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियो, तो वहाँ पर आप और भी जानकारी अच्छी अच्छी ले सकते हैं। पूरी बास्केट किस तरीके से लगाई जाती है, इनोटेक किस तरीके से आपकी फिटिंग होनी चाहिए, तो हर बास्केट हर कंपनी का अलग अलग वीडियो है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे।